नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर की महत्वपूर्ण घोषणाएं। जल्द ही शुरू होगी आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। बिहार में आज से खुलने वाले हैं 72,000 स्कूल। बिहार में लगाए जाएंगे 21,000 निजी नलकूप। 15 अगस्त के बाद बिहार में आसानी से मिलने लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर की महत्वपूर्ण घोषणाएं। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 15वीं बार ध्वजारोहण करके अपने नाम सबसे लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करने का रिकॉर्ड बनाया है, वहीं दूसरी तरफ बिहारवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है, जिसके तहत उन्होंने अपने भाषण में सूबे में 3 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाने का ऐलान किया है। साथ ही सभी कृषि बाजार समितियों का जनाधार और विकास चरणबद्ध तरीके से कराए जाने की बात कही है और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी इसी साल 1 जुलाई से देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में इको टूरिज्म के विकास के लिए सभी काम को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाने की बात कही है। इसके अलावा बिहार के सभी गाँव को अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियों की आच्छादित किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे। इसके अलावा बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सभी वर्गों की युवतियों के लिए 50,000 से 1,00,000 प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। फिलहाल यह सुविधा केवल अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को ही दी जाती थी। इसके अलावा बिहार सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विशेषज्ञ अधिकारी के 347 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो यह फिलहाल तय नहीं की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बीई या बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर, प्रिंट टेक्नोलॉजी या स्नातक, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, सीए, सीएमए, ICWCSB फार्मा में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के 6 कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुए चयनित। हस्तशिल्प कलाओं के लिए नेशनल अवार्ड और नेशनल मेरिट अवार्ड की घोषणा सन 2018 में ही भारत सरकार ने कर दी थी, जिसके बाद इस बार बिहार के लिए खुशखबरी सामने आई है कि बिहार से जुड़े 6 कलाकारों को इन दोनों श्रेणियों के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना के मेट्रोक्राफ्ट के प्रशिक्षक इकराम हुसैन और सिरामिक शाखा के प्रशिक्षक पिंटू प्रसाद का चयन नेशनल मेरिट अवार्ड के लिए हुआ है। वहीं पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित के पुत्र अभय पंडित को भी नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। वहीं सुनीता दत्ता और दिलीप कुमार पासवान और रसिदपुर की बेटी प्रेमलता कुमारी को भी राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड के लिए चुना गया है। जल्द ही बिहार में शुरू होने वाली है आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से शुरू की गई आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन कोविड-19 संक्रमण के ठहराव के साथ ही एक बार फिर से शुरू होने वाला है। इसे दक्षिण भारत के मंदिर और पर्यटक स्थलों की सैर के साथ ही यात्री वाराणसी के तीर्थ स्थलों का भी दर्शन कर सकेंगे। एक यात्री के लिए 14 दिन और 13 रात का किराया 13,230 रखा गया है। ट्रेन की 150 सीटों की बुकिंग कब तक हो चुकी है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इस ट्रेन के खोले जाने के लिए पर्यटकों की काफी मांग थी। इसके कारण कोविड-19 के माहौल में लंबे अरसे के बाद फिर से आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अगर आप भी ट्रेन का सफर करना चाहते हैं तो आप भी IRCTC विस्कोमान टावर पश्चिमी गांधी मैदान स्थित कार्यालय और मोबाइल नंबर 9771440056 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस ट्रेन की शुरुआत 20 अक्टूबर से होने वाली है। बिहार में आज से खुलने वाले हैं 72,000 स्कूल। बिहार में आज से प्रारंभिक और माध्यमिक कक्षाओं का संचालन एक बार फिर से होने वाला है, जिससे छात्र छात्राओं के बीच काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आज से 72,000 स्कूल एक बार फिर से खुलने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। लंबे समय के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल में साफ सफाई की गई है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालय पहले से ही खुले हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार का कहना है कि जिले के सभी स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे।
फिलहाल एक दिन में 50% बच्चों को ही स्कूल में बुलाया जाएगा। वहीं 50% बच्चे दूसरे दिन स्कूल आएंगे। इतना ही नहीं, COVID-19 की संभावित इस लहर को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। बिहार के 227 डिग्री कॉलेज को अब सीए से ऑडिट कराकर देनी होगी अपनी रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों शिक्षण संस्थानों पर सरकार खासा ध्यान दे रही है। यही कारण है कि बिहार के 227 डिग्री कॉलेज पर सरकार ने शिकंजा कसने का काम किया है, जिसके तहत सरकार ने साफ शब्दों में इन कॉलेज को नसीहत दी है कि किसी भी हाल में यह सभी कॉलेज सीए से ऑडिट कराकर अपनी रिपोर्ट को जल्द से जल्द सौंपे। यानी कि बिहार सरकार के इन सभी कॉलेज पर अनुदान राशि का अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में डिग्री कॉलेज ने 288 करोड़ रुपए अनुदान लिए थे, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण कराकर अब देना होगा। इसके साथ ही अनुदान और आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया गया है। इसकी घोषणा पत्र में जमा करवानी होगी। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज इन जिलों के कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जहां पश्चिम चंपारण के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर जिले में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में आज अधिकांश जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कई जगह पर गरज आकाशीय बिजली के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बलिराम भगत की। बलिराम भगत का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बलिराम भगत भारत के एक राजनेता तथा 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के विदेश मंत्री थे। वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भगत का 14 मास से भी कम अवधि का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था, किंतु इस संक्षिप्त अवधि में उन्होंने सदन की कार्रवाई पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अध्यक्ष पद पर रहने के बाद राज्यपाल के रूप में उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया, उससे यह सिद्ध हो गया कि वो सहज रूप से एक योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। पंचायत चुनाव के लिए जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड निकली एक एजेंसी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में 17 अगस्त को एजेंसियों का चयन किया जाना है। हालांकि चयन से पहले ही एक एजेंसी जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड निकली है, जिसके तहत एजेंसियों के कागजात और ब्लैक लिस्ट की छानबीन चल रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी की तरफ से एजेंसियों का चयन करने के लिए 3 बार निविदा निकाली जा चुकी है, क्योंकि 2 बार निविदा में तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण उसे रद्द करना पड़ गया था। दूसरी बार को 44 एजेंसियों ने आवेदन दिया था। इस बाबत अधिकारियों की माने तो छानबीन में पता चला है कि एक एजेंसी जो पटना की है वो ब्लैकलिस्ट में है। हालांकि एजेंसी के संचालक की तरफ से दिए गए शपथ पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर उसे एजेंसी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार में लगाए जाएंगे 21,000 निजी नलकूप। बिहार सरकार की योजना बिहार में हर खेत तक सिंचाई अभियान चलाने की है। ऐसे में सिंचाई अभियान के तहत 2025 तक करीब 21,000 निजी नलकूप लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि सरकारी सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी ही। ऐसे में लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से सरकारी सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार से अभी इस मुद्दे पर हरी झंडी मिलना बाकी है। केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू करने की गति तेज कर दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही बिजली की प्रक्रिया को अगर हम समझे तो सिंचाई के लिए 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली फिलहाल दी जाती है, जबकि पंप सेट से सिंचाई के लिए 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 90 रुपए हो चुकी है। ऐसे में डीजल पंप सेट से सिंचाई पर प्रति घंटे करीब 250 रुपए का खर्च आता है, जबकि नलकूप से बिजली के माध्यम से सिंचाई पर 1 घंटे में करीब 3.5 से 4 रुपए का खर्च आता है। 15 अगस्त के बाद बिहार में आसानी से मिलने लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। COVID-19 के मामलों में भले ही कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि संभावित तीसरी लहर से पहले ही आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। यही कारण है कि बिहार में समय समय पर वैक्सीनेशन अभियान को तेज गति से चलाया जा रहा है। इसी बीच अब जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके हिसाब से पहली डोज लेने वालों की संख्या बिहार में दूसरी डोज लेने वालों की संख्या के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसके तहत सरकार अब दूसरे डोज के अभियान को गति देने की मंशा से काम कर रही है। यही कारण है कि 15 अगस्त के बाद से बिहार में आसानी से COVID-19 वैक्सीन की दूसरी डोज आम नागरिकों, सिर्फ दूसरे डोज के लोगों को वैक्सीन दिया जा सके।
पंचायत चुनाव में इस बार वोटिंग में नहीं होगी कोई गड़बड़ी। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक वोटिंग की हेराफेरी को लेकर लगातार कई शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार में पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार गड़बड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने खास व्यवस्था की है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। साथ ही बैलेट बॉक्स को इस बार नई पहचान दी जाएगी, जिसके तहत बैलेट बॉक्स पर पंचायत का नाम और संबंधित मतदान केंद्र का नाम अंकित रहेगा। इसके अलावा मतदान तारीख भी दर्ज की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के अतिरिक्त बैलेट बॉक्स को व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। सीरो सर्वे में बिहार को मिला तीसरा स्थान। कोविड 19 को लेकर देश भर में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वेलांस हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने करवाया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में बिहार के लिए राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत एंटीबॉडी के मामले में बिहार को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 75.9% लोगों में कोविड 19 के खिलाफ एंटीबॉडी बिहार में पाई गई, जो कि कोविड 19 को मात देने में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईसीएमआर की तरफ से 14 जून से 6 जुलाई तक देश भर के 70 जिलों में सीरो सर्वेक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं बिहार के वरिष्ठ चिकित्सा आईएमए बिहार की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने इस परिणाम को बेहतर बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर जताई चिंता। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर अपनी चिंता जताई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में वर्षापात ज्यादा होने से कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। हमने कल रिपोर्ट ली है, उसमें करीब करीब 26 जिलों में बाढ़ के संकेत है। चाहे उसकी संख्या जितनी हो, लेकिन 26 जिले बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को हर प्रकार से सुविधा पहुंचाई जा रही है और एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। हर संभव बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रकार की विकट परिस्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। पूरे तौर पर सजगता बरती जा रही है। बिहार बोर्ड ने बढ़ा दी मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से मैट्रिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट अब 31 अगस्त तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार में 2022-23 में मैट्रिक का एग्जाम लिया जाएगा। बोर्ड ने तीसरी बार रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई है। इस बाबत बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैट्रिक परीक्षा 2022-23 के लिए होने वाली परीक्षा का रजिस्ट्रेशन तारीख एक बार फिर से बढ़ गया है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है, उस पर जाकर भी छात्र किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। बिहार स्टेट बार काउंसिल ने किया फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आग्रह। बीते दिन बिहार में बार काउंसिल बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट समेत राज्य के सभी अदालतों में फिजिकल कोर्ट शुरू करने को लेकर हाई कोर्ट प्रशासन ने एक बार फिर से आग्रह किया है और इस पर सोचने का निर्णय लेने की अपील की है। इसमें यह कहा गया है कि देश भर के मार्केट, मॉल, स्कूल, बिजनेस और कमर्शियल इकाइयों को खोला जा चुका है। इस परिस्थिति में पटना हाईकोर्ट में भी फिजिकल कोर्ट शुरू करने पर विचार किया जाए। इस बैठक में यह भी कहा गया है कि कुछ हाईकोर्ट ने भी फिजिकल कोर्ट चलाने की अनुमति दी है। वर्तमान स्थिति में मुकदमा लड़ने वालों और न्याय की आस लगाए लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग से आग्रह को स्वीकार किया जाए। रोशनी कम होने के कारण समय से पहले रुका चौथे दिन का मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। बीते दिन चौथा दिन था और भारत ने 154 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि 6 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। भारत की तरफ से रहाणे ने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि पुजारा ने 45 रन बनाए। वहीं ऋषभ पंत ने 14 रन के साथ साथ ईशांत शर्मा 4 रन के साथ मैदान पर बने हुए थे। हालांकि रोशनी कम होने के कारण चौथे दिन मैच को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद अब आज सब कुछ सही रहा तो आखिरी दिन का मैच होगा और दूसरे मैच के नतीजे की घोषणा होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच पर बारिश ने पानी फेर दिया था, जिसके कारण मैच को ड्रॉ करना पड़ गया था। काबुल से 129 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत सरकार भारतीय नागरिकों को वापस लाने की जद्दोजहद में जुट गई है। इसी कड़ी में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 129 भारतीयों को लेकर रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट A1244 दिल्ली पहुंच गई है। इससे पहले दिल्ली काबुल एयर इंडिया की एक निर्धारित फ्लाइट है। राजधानी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दोपहर के बाद उड़ान भरी थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए यह योजना बनाई थी। अधिकारियों ने बताया है कि सरकार काबुल में भारतीय दूतावास के कर्मचारी और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लगातार तालिबान अफगानिस्तान में अपनी चपेट बढ़ाता जा रहा है। तालिबान का कब्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर सकता है।
मंगल पांडे ने बिहार में टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड दर्ज करने की कही बात। बीते कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग का ट्विटर हैंडल टीकाकरण के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहा था, जिसके बाद लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं बिहार में टीकाकरण की गति धीमी तो नहीं हो गई है। लेकिन इसी बीच बीते दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट जारी करते हुए 6 महीने में बिहार सरकार के 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को संभव होता दिखा दिया है। मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में टीकाकरण ने 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य भी जल्द ही पूरा होने वाला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने लालू यादव को बताया इंटरनेट मीडिया का कलाकार। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही बढ़ गई है। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लालू प्रसाद यादव को लेकर अहम बात कही है, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लालू प्रसाद इंटरनेट मीडिया के कलाकार हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि वे बीते दिनों की बात हो गए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सक्रियता संबंधी सवाल के संदर्भ में उन्होंने लालू प्रसाद पर कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के 2 कलाकार हैं, जिनसे चर्चा में रहने का तरीका सीखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी क्रम में लालू प्रसाद के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया। प्रधानमंत्री के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिस समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है, तब से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष से भी अलग अलग बयानबाजी आ रही है। इसी कड़ी में लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 2029 तक पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास कर रहा है। उन्होंने आज झंडोत्तोलन के बाद ऐतिहासिक भाषण दिया। देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें नरेंद्र मोदी सबसे सुपर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही वो एकजुट है। एनडीए को सत्ता से हटाना सूरज को पश्चिम से निकालने जैसा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2010 में एआर रहमान के रचे थीम गीत को स्वीकृति मिली। भारतीय फिल्म अभिनेता सैफ अली खान का जन्म 1970 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी कवियत्री कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में आज के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन 16 अगस्त 1997 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2010 को हुआ था। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस देव का निधन 1886 को हुआ था। में कोरोना के मिले तीसरे कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 28 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 240 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, भागलपुर में 2, गोपालगंज में 1, किशनगंज में 2, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नवादा में 1, पटना में 2, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 3, सारण में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 153,500 सैंपल की जांच की गई, वहीं 38 लोग ठीक होकर घर वापस आ गए हैं। अब फेसबुक भी नहीं सुन पाएगा आपके मैसेंजर कॉल्स। प्राइवेसी का मुद्दा इन दिनों पूरे देश में काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। फोन कॉल लीक होने के मामले के बीच सोशल मीडिया साइट लगातार अपने सभी यूजर को सिक्योरिटी और प्राइवेसी की गारंटी दे रही है। इसी कड़ी में फेसबुक मैसेंजर ने अपने एप्लीकेशन में वॉइस और वीडियो कॉल के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन या E2EE जोड़ने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने मैसेज को गायब करने के लिए कंट्रोल भी अपडेट किया है। सोशल मीडिया दिग्गज A1 ब्लॉग पोस्ट ने नए अपडेट की घोषणा की है। लोग उम्मीद करते हैं कि उनके मैसेजिंग एप्लीकेशन सिक्योर और प्राइवेट होंगे और इस नई सुविधा के साथ हम उन्हें इस बात का ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं कि वो अपनी कॉल और चैट को कितना प्राइवेट रखना चाहते हैं। पिछले 1 साल में हमने मैसेंजर पर एक दिन में 150 मिलियन से ज्यादा वीडियो कॉल के साथ ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के इस्तेमाल में वृद्धि देखी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,160 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,290 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास कुमार, राकेश कुमार, गौतम कुमार, सुनील कुमार, धीरेंद्र कुमार, प्रियांशु कुमार, लखन कुमार, अरविंद कुमार, नवीन कुमार, अनिल यादव, सुमन देवी, विजय कुमार, पिंकी कुमारी, राकेश सिंह, पवन कुमार यादव, मिथिलेश यादव, अजय पासवान, विनोद झा, अवकाश विश्वास,
संतोष कुमार यादव, कर्मवीर संजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा किए गए 3 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े के बाद 6 महीने में क्या बिहार सरकार 6 करोड़ के टीकाकरण लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।